टू वे ये हमारा टू वे बॉक्स हम पावर साइकिल में कंपेयर करते हैं। और ये हमारा 12 मॉडल का बोर्ड जो हम मेन बोर्ड लगाते हैं रूम में। ये रहा हमारे मकान का एमसीबी बॉक्स। और ये टीवी के लिए जहाँ पर हमें 200 वाट की आवश्यकता होती है। ये एमसीबी बॉक्स जहाँ पे हम अपने मकान का पूरा वाई डाटा यहीं पर ला सकते हैं। और ये बैंड है दोस्तों, हमें कटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ती है, डिब्बी। और इस पर हम अपना पॉइंट बनाते हैं। यहाँ पे हमारा मेन सेंटर बल्ब रहेगा। और ये हमारा मेन कवर डिब्बी जो हम प्लास्टिक की लगाते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और ये हमारा 8 के जी में यूज़ करते हैं हम लोग। पावर बोर्ड को हम लोग यूसी पर लगाते हैं। यह हो गया पावर बोर्ड। और इसको हम 12 बजे से कनेक्ट करेंगे। हम लोगों को यहाँ से कनेक्टिव पॉइंट लेना है और इसके ऊपर से हमें यहाँ पर पाइप डाल के डिब्बी डाल के डिब्बी में पीछे छेद कर देंगे। और यह डिब्बी में आके यहाँ पे हमारी लाइन ये ऐसे बन के इस कमरे में कनेक्ट हो जाएगी। दोस्तों बोर्ड के पीछे से भी छेद कर देंगे। इसके पीछे हमें रूम में भी बोर्ड लगाना है और उसके पॉइंट वहाँ से कनेक्ट करने हैं जो कि बाहर डिब्बी में लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो भी हमारी कटिंग होगी वो 1 इंच पाइप पे होगी। दोस्तों चलते हैं हम अंदर वाले रूम में, जो कि ये अंदर वाला रूम है। ये हमारा मैन 12 मॉडल का बोर्ड लगाएंगे और इसमें भी नीचे 3 मॉडल को कंपेयर करके पावर बोर्ड बनाएंगे। दोस्तों इसमें रूम में एक बैंड निकला हुआ है जो कि इस सीलिंग फैन का है। यहाँ से हम तार ला के डिब्बी डाल के यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पे इसको मिला देंगे। और जैसे कि हम लोगों ने अंदर कटिंग की थी ये बोर्ड को पहले लगाना है। और ये हमारा 6 मॉडल का बोर्ड देखिए। और हमारा ये चौथा रूम इसमें अभी काम चालू है। इसमें हम लोगों ने पावर कटिंग कर लिया है और इसका जीरे छीनने का काम बाकी है। इसको भी हम गैलरी से मिला देंगे और हमारा लाइन क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप लोग महान हों।